गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज अपने यहाँ एक पेशेंट आए थे, उनकी फाइल में लिखा था सॉफ्ट मार्कर फॉर डाउन सिंड्रोम, तो आपने उन्हें एमनियोसेंटेसिस के लिए एडवाइस किया था? नहीं, मैं एमनियोसेंटेसिस के लिए एकदम से एडवाइस नहीं किया। हाँ ठीक है, आगे आगे तो जब आपने एडवाइस किया, उन्होंने वीडियो देखा, तो उसके बाद वो वीडियो देखकर मुझसे पूछते हैं कि जब एमनियोसेंटेसिस की प्रोसीजर करेंगे तो जो निडल रहेगी उससे बच्चे को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सब कुछ सेफ रहेगा। ये वाला जो दो क्वेश्चन थे आज, मैं ये बहुत दो कई बार आते रहते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रहती है उसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मैं यहाँ पर से वो उठाना क्या होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं बेबी का, तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट है मेरे पास में एन्यूप्लॉयडी मार्कर्स का। एन्यूप्लॉयडी का मतलब होता है ये डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18, 13। उसमें आप देखेंगे कि जब हम ये सोनोग्राफी करते हैं, तो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक हमारी लिस्ट होती है जब हम सोनोग्राफी करते हैं, पूरा उसका मिड ट्राइमेस्टर फीटल जेनेटिक स्कैन रिपोर्ट पूरा फॉर्म रहता है। इसमें हर एक हेड का, फेस का, नेक का, थोरेक्स, हार्ट, एब्डोमेन, स्पाइन, लिम्स, पूरे आप देखोगे तो पूरा ओवरऑल एक बच्चे का पूरा डिटेल चेकअप है। अब इस डिटेल चेकअप करने के दौरान हेड में, फेस में या नेक में कहीं पर भी ये जो फाइंडिंग्स मिलती है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ये जो फाइंडिंग्स मिलते हैं इसमें कुछ ऐसे फाइंडिंग सोनोलॉजिस्ट को दिखते हैं जिसमें वो उसको लगता है कि उस बच्चे में एन्यूप्लॉयडी हो सकता है, ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमको कुछ जेनेटिक मार्कर दिखते हैं। इन जेनेटिक मार्कर्स में कुछ जिनको हम सॉफ्ट मार्कर बोलते हैं, ये सॉफ्ट मार्कर का मतलब होता है ये कोई छूने में सॉफ्ट नहीं है, ये सॉफ्ट मार्कर का मतलब होता है कि इनसे, इनके रहने से हो सकता है कि बच्चे में, हो सकता है बच्चे में ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम हो। पर क्या सॉफ्ट मार्कर के रहने से ही या दिखने से ही, जैसे इकोजेनिक कार्डियो, इको डेंस कार्डियो हार्ट में यदि फोकस दिखा, या फिर एक कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट होता है, या फिर रीनल पेल्विस डायमीटर बढ़ जाए, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको दिखेंगे कि हो सकता है कि यदि ये है तो ज़रूरी नहीं कि ट्राइसोमी हो, पर इसमें हो सकता है कि इसकी चांस बढ़ जाए। जब ये लेके आते हैं पेशेंट तो हम उनका फिर एक टारगेट अल्ट्रासाउंड जेनेटिक स्कैन करते हैं। ये जेनेटिक स्कैन अगेन वैसा ही होता है जो मैं कागज आपको दिखा रहा हूँ। अब इस टारगेट स्कैन से करने से हमको ये होता है कि वास्तव में इस सॉफ्ट मार्कर से, इस अल्ट्रासाउंड को करने से क्या इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा है, क्या वास्तव में है, तब हम डिसाइड करते हैं कि इसके साथ में क्या हम इसको एमनियोसिंथेसिस से कंफर्म करें। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये पेशेंट इस तरीके की रिपोर्ट लेके आता है, जब उसको लगता है कि उस लेडी के जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसमें कुछ गड़बड़ होने का खतरा है, तो जब तक आप उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करके नहीं दोगे, मतलब पक्का वाला 99% पक्का वाला टेस्ट नहीं करके दोगे, वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो आजकल कई जगह पर, खासकर अमेरिका और यूरोप में, सब जगह डायग्नोस्टिक टेस्ट डायरेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको डाउन सिंड्रोम तो मिलेगा ही, और दूसरे भी बहुत सारे कॉपी नंबर वेरिएशन के डिसऑर्डर्स होते हैं जो डाउन सिंड्रोम जैसे ही होते हैं या उससे भी खतरनाक होते हैं और ज़्यादा चांस होता होने का। इनको देखने का तरीका एमनियोसेंटेसिस है या CVS है। अब CVS और एमनियोसेंटेसिस में आप देखोगे तो ये जो बच्चा है भीतर, ये बच्चेदानी है, यहाँ पर एक पानी रहता तरल, इस तरल को हम बाहर निकालते हैं, तो इस तरल को बाहर निकालने के लिए इसमें नीडल डालनी पड़ती है। अब वो आपसे पूछते हैं कि यार नीडल इस बच्चे को चुभ जाएगी, तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं ताकि इस बच्चे से हम नीडल के टिप को दूर रखें। ऐसे ही CVS में भी हम करते हैं, जब हम प्लेसेंटल बायोप्सी निकालते हैं, जो ये प्लेसेंटा है सपोज़,
तो हम कोशिश करते हैं कि हम प्लेसेंटा में ही रहें, बच्चे के पास ना जाएं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे को हानि ना पहुंचे, बच्चे को नीडल टच ना हो, क्योंकि आप सोनोग्राफी की मदद से कर रहे हो। तो ये जो एक ये जो बताने का जो रीज़न था, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट एमनियोसिंथेसिस और CVS आजकल चलन में ज़्यादा आ रहे हैं फिर से। NIPT घट गया है, क्योंकि NIPT से आप बहुत बड़ी रेंज के टेस्ट नहीं कर सकते। वो डाउन सिंड्रोम के लिए अच्छा है, पर बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने से फ़ायदा ये है कि आप डाउन सिंड्रोम के अलावा जो दूसरे ज़्यादा फ्रीक्वेंट या ज़्यादा कॉमन डाउन सिंड्रोम जैसे ही मानसिक अपंगता वाले या दूसरे तरीके का डिफेक्ट करने वाले टेस्ट हैं, उनको भी कर सकते हो। तो ये एक बेसिक समझाने का एक मुद्दा था कि ये लेके भी पेशेंट जब आते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ये वीडियो दे दूँ कि वो अपना देख के फिर डिसाइड कर सकें कि कैसे आना है, क्या मानसिक स्थिति से आना है। आशा है आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।